तो दोस्तों मैं सिडनास की एक अनसीन अनदेखी वीडियो लाया हूँ यार, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला कैमरे के सामने छुप छुप कर शहनाज गिल के साथ रोमांस करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को एक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो तब शुरू होती है यार जब शहनाज बोलती है हाय मेरा मन कर रहा है ना मैं सो जाऊँ। सिद्धार्थ बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है शहनाज सो जा, अपना सिर्फ सिर हिलाते हैं सिद्धार्थ। आसिम बोलते हैं हाय मेरा दिल कर रहा है ना मैंने बहुत लेंजेस मार दिए हैं और चार सेट मारे मैंने पूरे गार्डन एरिया में, अब जो मुझे नींद आ रही है ना मैं बता नहीं सकता हूँ किसी को। शहनाज बोलते हैं मर जा मर जा। आसिम बोलते हैं मुझे बस आंखें बंद करनी है और मैं शाम को उठूंगा ऐसी मुझे नींद आ रही है। सना बोलती है हाय घर पे ऐसा होता था ना हम शाम को रात को सारे दिन सोते रहते थे। आसिम बोलते हैं हाँ ऐसे ही तो होता था यार सोए रहते थे दिन भर। शहनाज बोलती है दो दो दिन तक होश ही नहीं होता था क्या कर रहे हैं, तीसरे दिन पे जब काम आता था तब पता चलता हाय काम भी है ना, हमें लगता था हम तो बेहोश पड़े रहते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं यार उस समय सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे मच्छर को भगा रहे थे तो उनका हाथ शहनाज गिल को उन्होंने होल्ड कर रखा था, जैसे शहनाज अब हाथ ऊपर कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला झटके से नीचे खींच रहे थे जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था और कैमरे के सामने सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों बिग बॉस आसिम को बोलते हैं आसिम आप अपना माइक पहन लीजिए। आसिम बोलते हैं पहनते हैं बिग बॉस पहनते हैं थैंक यू आपका बताने के लिए। आसिम शहनाज को बोलते हैं कि और बताओ शहनाज और क्या क्या। शहनाज बोलती है हाय घर मेरे को घर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है लेकिन मैं भूल गई हूँ बिग बॉस ही हमारा घर है। आसिम बोलते हैं हाँ मुझे भी घर की याद आ रही है शहनाज लेकिन हम भूल गए कि बिग बॉस ही घर है। शहनाज बोलती है मुझे तो याद आ रही है घर की लेकिन क्या करें यार बिग बॉस ही तो घर है। आसिम बोलते हैं सही कहा शहनाज यही घर है यही तो रहना है। शहनाज गिल फिर से बोलती है मेरा तो यही घर है। उसके बाद दोस्तों शहनाज और आसिम दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। शहनाज बोलती है जितनी देर इस घर की लाइट ऑफ नहीं होती है ना हंस हंस के बोलती है मैं तो नहीं सोती हूँ मेरे को तो सोने का मन ही नहीं करता जब तक लाइट ऑन रहती है और फिर हंसने लगती है क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है यार बिग बॉस में जब तक लाइट ऑन रहती थी ना सभी कंटेस्टेंट खिलाड़ी जागे रहते थे जब लाइट ऑफ होती तभी उनको सोने का मन करता था। उसके बाद दोस्तों पारस क्या बोलते हैं पारस बोलते हैं ऐसा होता है यार मेरे साथ ना दोपहर में जब मैं गलती से सो जाता हूँ ना तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब मैं गलती से सो के तेज़ी से उठता हूँ मतलब जल्दी से जग जाता हूँ। सिड बोलते हैं हार्ट बीट। पारस बोलते हैं हाँ यार सिड हार्ट बीट। सिद्धार्थ बोलते हैं फास्ट हो जाती है कैसे। पारस बोलते हैं हाँ यार पता नहीं। सिद्धार्थ बोलते हैं सोने के बाद तेरे को ऐसा होता है क्या पारस। फिर पारस बोलते हैं मैं जैसे उड़ता हूँ ना तो एकदम से शाम को अगर मैं एकदम से उठ गया तो मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाती है धक 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 होने लगती है। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं ऐसा क्यों होता है पारस। पारस बोलते हैं पता नहीं यार अजीब सा घबराहट जैसी हो जाती है मुझे बिल्कुल दोपहर में जब सोता हूँ तो सोने के बाद उठता हूँ घबराहट होती है उसके बाद हार्ट बीट मेरी बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगती है बहुत ही तेज। शहनाज बोलती है मुझे तो बहुत ही दबाव पड़ता है। पारस बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है ना। फिर दोस्तों वहाँ पर आसिम बोलते हैं दोस्तों तुम्हें पता है शाम को ना कभी भी सोना नहीं चाहिए। शहनाज बोलती है ऐसा क्यों आसिम। आसिम बोलते हैं 5 से 8 बजे के बीच कभी नहीं सोना। शहनाज बोलती है क्यों। आसिम बोलते हैं हमारे वहाँ कहते हैं कि जवाल का टाइम होता है उस समय जवाल का। पारस बोलते हैं हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं। सना बोलती है जवाल क्या होता है आसिम। आसिम बोलते हैं जब शाम ढल रही होती है ना तो उस टाइम को हमारे वहाँ जवाल कहते हैं। शहनाज बोलती है तो क्या होता है इसमें ऐसा। आसिम बोलते हैं सिकस आती है बहुत ज़्यादा सिकस आती है। शहनाज बोलते हैं ये सिकस क्या होता है तो सही से बोलना तो बोलना क्या चाहते हैं। आसिम बोलते हैं मतलब उसी समय दोस्तों पारस बोलते हैं मन हूसियत फैलती है बहुत ही ज़्यादा मन हूसियत। आसिम बोलते हैं हाँ मन हूसियत फैलती है तो ठीक बोल रहा है पारस। तो दोस्तों ये बात सुन के यार शहनाज थोड़ा डरने भी लग जाती है कि दिन को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों इस बीच यार सिद्धार्थ शुक्ला इतनी बार शहनाज गिल को अपने बाहों में लेते हैं उनका हाथ तो अपने से दूर ही नहीं रखना चाहते हैं। इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं शहनाज गिल को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला। इतना ज़्यादा प्यार वो यार हमारी शहनाज गिल से करते हैं। इससे पता चलता है दोस्तों सिडनास का प्यार कितना ज़्यादा ट्रू था इतना जेन्युइन था ना कोई इस पर उंगली भी नहीं उठा सकता यार। इतना अच्छा प्यार हम दोनों का लगता था। उन दोनों का जो मोमेंट्स है ना क्यूट मोमेंट वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे यार। शुक्ला जी हमेशा हमारे दिल में है दिल में थे और उन्हें हमारे दिल से कोई भी नहीं निकाल सकते हैं और शहनाज गिल का सपोर्ट तो हम हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको एक प्यारी सी अनसीन अनदेखी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना सिडनास। तब तक के लिए यार सिडनास की कुछ और अनसीन अनदेखी वीडियो देखते हैं तो सामने ऑप्शन आ रहे होंगे इनमें से किसी एक वीडियो को जरूर क्लिक कर देना सिडनास।